भी हमारी तरह ही राखी बांधेगी, और अगर नहीं ढूंढ कर लाया है तो हम तुम्हें उसी मट्टी के कफन से ढक देंगे जिस मट्टी ने चांद की बाली को छिपा लिया है। अगर कहीं खो गई होती तो जरूर मिल जाती मालिक, मुझे तो लगता है उन्होंने किसी को दे दी है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे शिवा से प्यार करते हुए। शांति, जबान ऐसी तवायफ होती है जो मुजरा करना बंद नहीं करती, कभी हमारे सामने कभी दूसरों के सामने। इसने ऐसा क्या कह दिया? ऐसी बात जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप कुछ तो कहिए, क्या हुआ? हम नहीं बता सकते कि क्या हुआ है, जो भी हुआ है हमारे खानदान में पहली बार हुआ है। चांद, क्या है भैया? एक सवाल का जवाब दे, बता। सारी दुनिया में मर्दों के लिए सबसे कीमती जेवर कौन सा है? मैं तो हार गई भैया, आप ही बता दीजिए वो जेवर कौन सा है। राखी, जब तेरा जन्म हुआ था ना तो हम ये सोचकर बहुत खुश हुए थे कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है और उसी से हम राखी बंधवाएंगे, पर हमें क्या मालूम था कि एक दिन तुम हमें जिंदा लाश बनाओ और ये भी भूल जाओगी कि लाश के हाथों में राखी नहीं बांधी जाती। भैया मैं कुछ समझी नहीं। हम भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। चांद पर ग्रहण लगते तो देखा था, पर ये तो कभी भी नहीं सुना था कि चांद आसमान की छाती से निकलकर शर्म और बेहयाई की छत पर आकर बैठ गया हो। बता, बचपन से लेकर आज तक तेरी ऐसी कौन सी इच्छा थी जो हमने पूरी नहीं की? तुमने जहां जहां अपने पांव रखे हमने वहां वहां अपना दिल रख दिया। तुझे तेरी राखी की कसम बहना, बता तुझे अपने भाई के प्यार में ऐसी कौन सी कमी नजर आई जो तूने हमारी इज्जत की धूल उड़ा दी? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो चौधरी सारंग, जिसकी जागीर की पड़ी हुई मट्टी भी उसे धोखा नहीं दे सकती, उसे अपने ही घर की मट्टी धोखा दे देगी। जी तो चाहता है कि अपने आप को गोली मार दो। भैया प्यार करना कोई पाप तो नहीं होता? प्यार करना अगर पाप नहीं होता तो दुनिया में औरतों के लिए पर्दा नहीं होता और लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची नहीं करते। प्यार अगर पाप नहीं होता तो तुम उसे छुप कर नहीं करती। एक माँ भी अपने बेटे को छुप कर जन्म देती है, क्या ये पाप है? और उसे दूध भी अपने आंचल में छुपा कर ही पिलाती है, क्या वो भी पाप है? और भगवान भी तो छुप कर रहते भैया, क्या वो भी पाप है? मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है, लेकिन औरत की ताकत उसकी जुबान होती है। आज जिंदगी में पहली बार तुमने हमारे सामने अपनी मोहब्बत का नहीं बल्कि अपनी ताकत का सहारा लिया है। तुमने अपना चलन बदल दिया है, लेकिन चौधरी सारंग का उसूल वही है कि इज्जत पर लगे दाग को धोने के लिए खून टपकाओ नहीं, खून बहाओ। शांति, इन शीशों को जोड़ दो। टूटे हुए शीशे नहीं जुड़ते चौधरी। इसी तरह इज्जत भी टूट कर नहीं जुड़ती। शांति, अगर घर का मर्द बिगड़ जाए तो सिर्फ एक नस्ल बर्बाद होती है, लेकिन अगर एक औरत बिगड़ जाए तो उस घर की सात नस्लें तबाह हो जाती हैं। सात। रुक जाओ चौधरी, अगर तुमने इसे गोली मारी तो और भी तरह तरह की बातें चारों तरफ होने लगेंगी। सबसे अच्छा तो यही होगा, किसकी शादी कहीं कर दो। क्या तुम ये चाहती हो कि हम इस खोटे सिक्के को खरा बताकर किसी के हवाले कर दें? हाँ। ये काम लालची और खुदगर्ज करते हैं, चौधरी सारंग ये हरगिज नहीं कर सकता। तो फिर मैं करूंगी।